देखो इसका मुंह देख रहे हो, फूला हुआ लग रहा है ना आप लोग। वापिस इसी उंगली में। ये कैसे तुमने किया यार, तो बोला भी नहीं जा रहा। और इसका जो मुंह है ये इतना से इतना हो चुका है, अब ठीक लग रहा है थोड़ा। तो आज के हमारे इस वीडियो का शुरुआत यहाँ से हो रहा है, ये एक्चुअली इसके चैनल पे हो रहा है जो हो रहा है। और रात में भूत वाला मामला होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लेना हैप्पी सिबलिंग व्लॉग्स पे क्या हुआ था भूत वाला मामला। उसके बाद से थोड़ा सा इसका तबीयत खराब है और इसको जो रेगुलर वाला स्किन प्रॉब्लम है वो वापस से आ चुका है इसके ऊपर। और इसका जो मुंह है ये इतना से इतना हो चुका है फूल के, वो चलो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये रही लड़की, मुंह दिखाओ अपना, दिखाओ भाई, अच्छे समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा मुंह एक्चुअली में फूला हुआ है। दिखाओ, इधर घूमो ना यार एक बार, फिर लोग लगे कि तुम झूठ बोलती हो। अरे मैं तो दिखाना चाहता हूँ कि तुम सच बोलती हो। देखो इसका मुंह देख रहे हो, फूला हुआ लग रहा है ना आप लोगों को, आ करके दिखा दो, मुँह में कुछ रखा नहीं है। नहीं एक्चुअली मैं मुँह में इसने कुछ रखा नहीं है भाई, ये सच है, बहुत टाइम से ये हो रहा है और ये जा नहीं रहा है भाई इसके ऊपर से, ये जो भी चीज़ है पता नहीं अब क्या बोलूँ मैं इसके लिए। यार तुम मजाक बना रहे हो यार, मेरा फूला हुआ मुँह का वीडियो बना। मैं मजाक कहाँ बना रहा हूँ, मैं तो बस दिखाना चाह रहा हूँ ना कि ये एक्चुअली में हुआ है तुम्हारे साथ। और ये कब हो रहा है तुमको, कब से हो रहा है, लगभग हो गया ना 12-13 साल, 2008-09 से हो रहा है, तो समझ लो 12-13 साल कहाँ, 16 साल ऑलमोस्ट होने को है। अभी इतनी थी ना इतनी सी, तब से इसको हो रहा है और ये आज तक गया नहीं है और ना आज तक इसका उपाय मिल पाया है, उपचार आज तक हो नहीं पाया। ये तो चलो आ जाओ भाई, कल भी वीडियो नहीं बनाया था, आज तो बना लो, लोग मर रहे हैं यार तुम्हारे लिए, तुम्हारा वीडियो देखने के लिए। ये लड़की देखो, मेरा ट्राईपॉड गायब करके अपने रूम में रख ली है, मैं सोच रहा हूँ साला ट्राईपॉड है कहाँ, और रोज़ रात में याद आता है कि लूँगा भूल जाता हूँ। चलो आ जाओ, फूला लग रहा है देख तो। हाँ फूला हुआ लग तो रहा है। अभी पता है एक काम है, पता है अपने घर में ना 4-4 वाईफाई का कनेक्शन है, अभी एक और चाहिए जो कि उस रूम से नज़दीक में हो, ठीक है। तो वहाँ के लिए ना क्या करने वाले हैं अभी हम, एक राउटर है हमारे पास पड़ा हुआ, मेरे वाईफाई से खींच के और इधर लेके आएंगे, नहीं मेरे वाले से नहीं, मंगल वाले से, क्योंकि वो नज़दीक पड़ेगा, तो वहाँ से खींच के एक कनेक्शन एक्सटेंड करने वाले हैं। भगाओ यार इसको, भगाओ। रात को देखो बारिश हुआ था, तो यहाँ का माहौल देखो पूरा गीला गीला है भाई। कल मैंने तो ब्लॉग नहीं बनाया था, मैंने सोचा था कि आज भी नहीं बनाऊंगी, पर शिवम ने बोला कि यार उठो, कब तक अपना ऐसा सड़ा सा मुँह लेके बैठे रहोगे, तो उसके बोलने के बाद मैंने बनाना स्टार्ट किया। यार बहुत फूला हुआ यार, ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। ये देखो रात को बारिश आने के कारण मेरा जो ये खाद था ना फूल में डालने वाला खाद, ये देखो पानी घुस गया इसके अंदर। यार ढका तो था मैंने, पर साला ढका ही नहीं रह पाया ये। तो अभी सुबह सुबह मेरा रिटर्निंग पार्सल आ गया है। यार आप लोगों को ना शिवम का कसम है, प्लीज़ यार कमेंट में हंसना मत यार, मेरे अंदर का हिम्मत का ताक देना कि मैं ऐसा मुँह लेकर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। 2 पार्सल रिटर्निंग है मेरा, ये 2 पार्सल का रिटर्निंग है, ये मैंने शायद दिखाया भी नहीं होगा आप लोगों को खोल के, ठीक है, दोनों ही बेकार बकवास आया। आजा आजा आजा, चलो पांडा भैया से हाय हेलो कर ले, हट। बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। हाँ पांडा पांडा मिल लो भैया से, मिल लो मिल लो मिल लो। ए पांडा इधर से, इधर 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 तो यहाँ पे। हाँ हाँ अभी देखना मेरे साले। तो ये देखो मेरा चाय आ गया भाई, ठीक से दे, ऐसे दे। ओए होए क्या स्टाइल था, मेरा मुंह देखो अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, साला एकदम फूल गया है गाल मुरस मिला के तरह साला। अभी ये देखो आम तोड़ रहा है, अनीता दिखी यहाँ जाएगा ये आम। शिवम तुमको पता चला था कि कब बारिश हो रहा है रात में? रात में क्या, सुबह 6 बजे तक हो रहा था और जोर जोर से, ठीक ही ठाक था, सुबह 6 बजे तक बहुत धीरे था, मतलब उतना खास नहीं था, रात में शायद खास होगा क्योंकि तभी तो फिर लीकेज चालू हो गया था वापस से। रात में खास, अच्छा 4 बजे से शुरू हुआ है ये बोल रहा है, अंदर उठा है, हो गया, अच्छा चालू हो गया। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है यहाँ पे, पहले आप देख लो एक बार, इधर रुको रुको, ये देख रहे हो ये भूरा वाला जो केबल जा रहा है, हाँ हाँ ये है लेन केबल, और इससे हमने एक राउटर को एक्सटेंड किया है और वो फाइनली चलने लगा है।
चलो चल के दिखाता हूँ मैं आपको। आ जाओ। बताओ बताओ बताओ। ये रहा राउटर। हैं? यही है भाई, भले ही सड़ा सा दिख रहा है लेकिन ये 200 MB का स्पीड है इसमें। वहां से बनाओ ना, दिखते कुछ बनाने आता तो है नहीं इसको। अरे यार मैंने तो ये कैसे तुमने किया यार? ये देख रही हो ना लाइन केबल? हाँ। पहले से एक्सटेंडेड था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ में आ गया। यहाँ पे था पहले भी वाईफाई ना? पहले भी था, अभी वापस हट गया था। हाँ। कोई सेटअप करने वाला बंदा नहीं था, अभी गुजराती बंदा है हमारे साथ तो सेटअप हो गया आसानी से। गुजराती छू है ना? छू छे कोई बात नहीं, दोनों एक ही होता है। अब काम हो गया, अभी अपने घर में टोटल 4 राउटर हो गया, चारों तरफ 5G। ये धूप ज्यादा नहीं हो गया शिवम? तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर पे ज्यादा ही चीजें, जैसे अभी एसी कितना 8-9 हो गया, वाईफाई भी नहीं हो गया, साले 6 हुआ है। 6 कैसे हुआ है यार? बता दो खुशखबरी, ये कल बिजली बिजली सब उड़ गया है। अच्छा शिवम के रूम का एसी लगता है उड़ गया। अबे ओए ये पागल वागल हो गया क्या? ये भाई संभाल के करो, बार बार माफी नहीं मिलेगा तुमको। ये गिरा मत भाई। गिरा क्या, पूरा गिरा दिया। तो तू एक काम कर, तुझे चढ़ने का फायदा बता, जब वहां से तुम आम गिरा ही रहे हो तो। ना कहता आम ना आम गुठलियों का दाम, वही हाजिर हो गया। अरे बाप रे बाप, ये देखो नीचे में आम गिरा है। गिर जाता है अपने, एक हाथ से तोड़ोगे तो गिरेगा ही ना छूने में। अच्छा ये छू छू के गिरा ही रहा है भाई, आम एक दिन से ज्यादा खाने लायक नहीं रहेगा अगर तुम ऐसे गिराते रहो तो। देखो ये गई से लड़ रहा है, एक सींग दे देगी ना तुमको 1-2.5, तो कहाँ जाओगे तुमको पता भी नहीं लगेगा साले पिद्दे। पता नहीं क्यों लग रहा है हमको कि शिवम ये नीचे आएगा। अरे देखो साला, जिस दाल पे खड़े हो ना बेटा वो बहुत कीमती है और तुम भी बहुत कीमती हो, दोनों कीमती चीज एक बार में टूटेगा। तुम तो जुड़ जाओगे बेटा, वो नहीं जुड़ेगा याद रखना। इधर आओ, अब सुनो, मम्मी बोली है इसको तोड़ने के लिए, और इसको अगर कुछ हुआ तो मम्मी अपने आप को ही ठोकेगी, कहेगी कि साला मेरे बोलने का बुलान कर दिया ये लड़का। यार अभी मेरे ठीक सामने पूजा दी बैठी है, उसने मेरा मुंह नहीं देखा है अभी तक, से जा रही है। पूजा आँख बंद करो, आँख बंद करो। इतना बड़ा भी नहीं है, अभी थोड़ा छोटा हो गया है। लेकिन अच्छी लग रही है। हम्म, तुम सुंदर लग रही है। नहीं यार लेकिन हाँ मुंह बड़ा हो गया। सही में हमको तो लगा तुम मुझे लिपस्टिक दिखा रही हो जो तुमने लगाया है। यार मेरे मुंह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है। वापस इसी उंगली में एक बार नजदीक आ, दिखाओ। देखा हुआ काटा है क्या कुछ ले? नहीं ये वो है जो स्किन का जो होता है ना उसके हाथ में हुआ है। देख रहे कौन से उंगली में हुआ है भाई? नहीं इस सामने बड़ा सा छत्ता लगा है, देखना मधुमक्खी। मेरे को तो लगा पहले कि मधुमक्खी काट लिया। ये तो अनीता दीदी वाला हो गई, वो उसको भी रात को सोती थी, सुबह उठने पर मुंह फूला हुआ। अरे कल रात में कुछ और था, इसको ऐसे स्किन हुआ नहीं था कल रात में? वो ही तो हुआ है सारा, जिसके पास भी गुजर रहे हो हमको रोक रोक के देख रहा है। क्योंकि अच्छी लग रही हो ना, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी खूबसूरती कहाँ बढ़ गई है अचानक से। अच्छी लग रही हूँ। हाँ पब्लिक बताएगी, पूछ लेना तो पब्लिक। तो मजाक सुंदर लग रही हो, एकदम जवान चेहरा लग रहा है। लग रहा है बुटॉक्स ले लिया है चेहरे पे। सही में साला यार लोगों ने गाली बना दिया है, कादरा करो इसलिए जानबूझ के तुमको इतना गंदा चीज। अरे हाय कल तुम साला फेस पैक लगा थी, उसी का असर है ना धूप में फेस पैक। यार बताए मैं डॉक्टर के पूरा प्रिस्क्रिप्शन से चलती हूँ मैं, डॉक्टर ने मेरे नहाने का टाइम लिख रखा है, धूप में नहीं जाना है, अगर एसी में हो तो एसी में रहना है, या तो धूप में हो तो धूप में ही रहना है, दोनों में से एक चीज़। अगर धूप से अंदर जा रही हूँ ठंडा पानी नहीं पीना है, 11 बजे के बाद नहाना नहीं है, ऐसा सीन है। अभी जैसे ये मौसम ठीक है तो इस पूरे मौसम में मैं कभी भी नहा सकती हूँ भाई। तुमसे ज़्यादा अच्छा तो मेरा बीमारी है, कम से कम हमको शरबत और केला खाना होता है, शरबत पीना होता है ताकि मेरा डिहाइड्रेशन से मेरा को बीमारी है, बेहोशी ना हो सकूं। अभी देखो ये उंगली अगर और फूलता है तो मेरा ये फटने को आ जाएगा। ये देखो बीमारी है, जब लिखने उखने की बात आती है ना तब मुझे समझ में आता है कि मैं लिख नहीं पाती हूँ। पता है मैं थोड़ा सा आजकल व्लॉग मेरा क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यार पता है मैं नहीं चाहती यार कि मैं ज़्यादातर दिखाऊँ। एक दो बार मैंने ऐसे व्लॉग में भी दिखा दिया था तो लोग कह रहे थे कि अबे यार ये फोड़े फोन से मत दिखाया करो, तो फिर उसके बाद से मैं भी नहीं दिखाती। और ये जो बीमारी है ना मेरा, ये
बहुत गंदा बीमारी है यार, अगर अच्छे अच्छे लोगों को हो जाए ना। मैं पता है क्या, मैं एक अंदर की बात बताऊं तो मैं नहीं चाहती कि चलो ये मुझे हुआ है किसी और को भी हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ और लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें जितना प्रॉब्लम होता है ना, पूरी रात ये एरिया पे मेरा इचिंग हुआ है, और सोचो कि मैं कंट्रोल इसलिए करके बैठी हूँ, मेरे पूरे पैर हाथ में ऐसे स्पॉट है, दाग है, और फेस पे भी हो जाता। अगर मैं खुजली करती तो वहाँ से ब्लड आता और फिर वो दाग बन जाता फेस करके। मैं पूरी रात, देखो मैं सोई तो हूँ ठीक से, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आधे आधे घंटे पे उठ के मैं यहाँ पे लिक्विड लगा रही थी। एक लिक्विड है जो कि मुझे आयुर्वेद के डॉक्टर ने दिया है, उन्होंने बोला है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएगा, और ये मेरी ही गलती से हुआ है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी डॉक्टर को। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि भाई अगर बहुत गर्मी है तो वहाँ उस टाइम पे तुमको ठंडी चीज यूज नहीं करना है, तो बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है मेरा मतलब फेस, और इसका ना मतलब सब लोग बोलते हैं कि यार क्या है ये है वो है, लेकिन अभी सोचो कि मधुमक्खी काटने पे कितना पेन होता है। मेरे को जब ये होता है तो लगता है पूरे शरीर में मधुमक्खी ने काट लिया हो। अभी आप देख सकते हो ये जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, ये देखो कितना सॉइल है, कितना फूला हुआ है। तो भाई ये तो मेरा अभी डेली का हो गया है, और यहाँ पे जिस तरीके से मेरे स्टिच है ना, ये देख लो, राइट हैंड भी जैसा मैंने बोला है कि मतलब मेरा खराब है, देख सकते हो ये दोनों उंगलियों में कैसे स्टिचेस लगे हैं। तो अभी ये देखो ये पूरा फूल गया है, और यहाँ पे मुझे दर्द होने लगा क्योंकि स्टिच है यार, जिंदगी भर दुखता है ये चीज। तो अभी मैंने लिया है खाना और मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ, खाना खा के मजा आ रहा है मेरे को। रात को भी मैंने ठीक से नहीं खाया था, अभी मैं ठीक से खा रही हूँ, क्योंकि रात में तो मेरा मुंह फूल गया था पूरा, अभी फूला हुआ कम हो रहा है तो मैं ठीक से खाना खा रही हूँ। यार अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी यार, सब ना मजाक हंस रहे यार मेरा मुंह देख के, कह रहे हैं कि ऐसा ही मुंह तुम्हारा अच्छा लग रहा है, मेरे को पता है सारे मजाक बना रहे हैं। अब मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी यार आगे, वो पता नहीं कितना मुंह दिखाओगी लोग, आप लोग भी हंस ही रहे होगे मेरा मुंह देख देख के। इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, बाय बाय।